बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आई हूँ जी सेंटर पॉइंट में, और यहाँ पे मुझे इतने प्यारे प्यारे बैग नज़र आए कि मैं आपको क्या बताऊँ। और सच में बहुत ही प्यारे बैग थे यहाँ पे। अगर आप बहरीन में रहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा और बैग खरीद के लिएगा अपने लिए। अगर आपको कहीं से अच्छे वाले बैग नहीं मिलते हैं ना, तो यहाँ पे जाइएगा। बहुत प्यारे कलर और बहुत ही प्यारे डिज़ाइन, और क्वालिटी तो बेहतरीन है, क्योंकि ब्रांडेड है तो क्वालिटी तो बेहतरीन होनी ही है। तो यहाँ पे बैगों पे के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफ़र जो है वो चल रही है। हर जो बैग हैं उनके ऊपर ऑफ़र लगी हुई है। और ये बैग जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको ख़रीद कर लूँ, लेकिन अभी मुझे बैग खरीदने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले ही बैग हैं बहुत ज़्यादा। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है बैग्स ख़रीद करने का, अबाया ख़रीद करने का, शूज़ और रिंग्स, ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़रीद करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का। और यहाँ पर देखिए ये कितना प्यारा बैग है। और मैं अपनी बेटी को भी बोल रही थी कि आप अपने लिए कुछ यहाँ पर चूज़ कर लो, लेकिन वो जो है वो थकी हुई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम जो है कहीं नहीं गए थे। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो हम कहीं नहीं जा रहे थे, तो बच्चे जो है वो काफ़ी दिनों के बाद जो है बाहर गए थे, तो इसलिए ना वो थक गए थे थोड़े से, तो तंग हो रहे थे कि मम्मा जल्दी करें, हमने घर जाना है। तो यहाँ पे मैं जब गई तो बस मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, और जो है मैंने कुछ भी जो है बाय नहीं किया। तो वीडियो बनाते बनाते ही इतनी देर हो गई, तो बच्चे जो है वह तंग पड़ गए कि मम्मा हमें घर लेके जाएं, हमें हम थक गए हैं। तो यहाँ पे मैं जब वीडियो बना रही थी तो मेरा फोकस था वीडियो के ऊपर, प्राइस के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया चीज़ों के ऊपर। तो अभी मैं गा रही हूँ, तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो मैं देख रही थी इतने प्यारे प्यारे बैग है, इतना मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके दोबारा जाऊँ और मैं लेके आऊँ। सच में इतने प्यारे बैग है। तो मुझे यहाँ पे अभी बहुत सारे मैं बैग देख रही हूँ, तो मैं हैरान रह रही हूँ कि वहाँ पे मुझे पता क्यों नहीं चल रहा कि वहाँ पे मैं सिर्फ वीडियो बनाने में लगी हुई थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा वापस जाऊँ और मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए एक बैग वहाँ से लेके आऊँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे, अभी आगे एक और बैग आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो मैं ज़रूर जो है जाके लेके आऊँगी। मैं तो बस, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस जाऊँ और लेके आऊँ। तो चलिए, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। अच्छा, मैं किसी भी मार्केट में जाती हूँ ना, तो मेरा पूरा फोकस जो होता है ना वो वीडियो के ऊपर होता है। मेरा यही होता है कि मैं वीडियो अच्छे से बनाऊँ ताकि लोगों को पसंद आए। तो जिस चीज़ के लिए मैं गई होती हूँ ना, वो चीज़ मैं बिल्कुल ख़रीद नहीं करती हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो बना के घर लेके आती हूँ ना, तो घर आके जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो मैं फिर उन चीज़ों को देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है ये भी चीज़ वहाँ पर थी, ये भी चीज़ वहाँ पर थी। तो पहले भी मैं अंसार गैलरी गई, तो वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी कपड़ों की, तो वहाँ पे मुझे इतना पता नहीं चला कपड़ों का, क्योंकि मैं वीडियो में लगी हुई थी, वीडियो बना रही हूँ। फिर इतने सारे लोग होते हैं, इतने लोग आपको देख रहे होते हैं, तो वो अलग से एक शर्म आ रही होती है। तो फिर भी इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि जो है जिस तरह मैं वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ आप भी उसी तरह ही मेरी प्यार से वीडियो देखा करें। बहुत मेहनत लगती है, और फिर एक लड़की के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है जब उसे इतने बंदे देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा होता है उस टाइम। तो फिर भी आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना के ले आती हूँ। तो है वो मैं कपड़ों की वीडियो जब बना के ले गई, तो वॉइस ओवर करने बैठी, तो फिर मैंने देखा इतने प्यारे प्यारे कपड़े हैं, तो फिर जो है ना मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं ले के नहीं आई हूँ। तो यहाँ पे भी ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी, तो फिर मुझे पता चला कि इतने प्यारे प्यारे बैग हैं यहाँ पे। और वैसे भी साथ में बच्चे होते हैं, तो वो बेचारे वैसे ही थक जाते हैं, तो इतना टाइम वीडियो बनाने में लग जाता है, तो फिर बच्चे थक जाते हैं, वो तंग पड़ जाते हैं, तो फिर उनको लेके जो हम आ जाते हैं, जो कुछ खरीद सकते हैं जल्दी जल्दी में वो हम ले लेते हैं। ऐसा सब्र से सुकून से खरीदा नहीं जाता है। तो वैसे जिस दिन मैं, मेरी प्लानिंग हो ना कि मुझे बच्चों के लिए कुछ खरीद करना है, कुछ कपड़े वगैरह, कुछ शूज़, तो उस दिन मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा यही होता है कि मैं अच्छे से आराम से जो है वो उनके लिए कुछ खरीद कर लूँ। तो वैसे भी जो मेरे बच्चों की फूफियाँ हैं ना, इनके जो दादके हैं, वो इनके लिए खुद ही सब कुछ जो है ख़रीद करते हैं। मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं बच्चों के लिए कुछ ख़रीद करूं, तो वो इनका बहुत ज़्यादा, इनके बच्चे जो है ना, ये लाडले हैं अपने दादकों के, अपनी फूफियों के बहुत ज़्यादा लाडले हैं, तो वो इनके कपड़े वगैरह वो जो है खुद ही करते हैं। तो
हाँ, तो यहाँ पे मैं आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।